गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम लोग आपका फ्लैश पढ़ रहे थे। फ्लैश में मैंने आपका टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट इन फ्लैश बताया था, उसी में हम लोग कुछ आगे डिस्कस करेंगे जो कि ये है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल आपका प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर तक पढ़ा था, इसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या स्टूडेंट्स, हम लोग आपका जो टेक्स्ट है उसको कुछ शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे शेप्स में? कुछ बेसिक शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, अगर हमने एक बार टेक्स्ट को कन्वर्ट कर लिया बेसिक शेप्स में, तो उसके बाद हम उसको दोबारा से टेक्स्ट को एडिट नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स, टेक्स्ट जो हमने एक बार लिख दिया, अगर उसको हमने किसी शेप में कन्वर्ट कर लिया तो हम उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। बट हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम लोग अपना कैरेक्टर्स को रीशेप कर सकते हैं। आई नो आपके लिए ये चीज़ें नई हैं और आपने कभी इसको पहले से यूज़ नहीं किया है, तो हल्की सी डिफ़िकल्टीज़ आपको होंगी, लेकिन हम लोग इसके साथ साथ चलेंगे धीरे धीरे, तो आप लोग जल्दी से समझ जाएंगे। क्योंकि अब आपके सिर्फ दो चैप्टर बचे हैं, पूरा ईयर है, तो मैं बहुत ही स्लो चलूँगा एंड वर्क कराऊँगा। तो स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है, अब यहाँ पे टेक्स्ट को कुछ शेप्स में कन्वर्ट करना है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक बार बेसिक शेप्स में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हमारे पास रहेगा कैरेक्टर्स को हैं जो उनको कलर्स और ग्रेडियंट्स में चेंज करना। किस में चेंज करना स्टूडेंट्स, कलर्स एंड ग्रेडियंट्स से हम लोग उस के कलर्स को फिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कलर्स एंड ग्रेडियंट्स को फिल कर सकते हैं। कलर्स एंड ग्रेडियंट्स हम इनको फिल कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं शेप्स में, ये देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्या करना है, हमें मॉडिफाई पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है स्टूडेंट्स, हमको क्लिक करना है मॉडिफाई पर। फिर वहाँ पर आपका एक ऑप्शन होगा ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट से स्टूडेंट्स क्या होगा, जो आपके हर एक छोटा छोटा वो है बॉक्स, वो आपका बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। टूटने का मतलब हर एक सिंगल कैरेक्टर अलग अलग हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसका एक ब्रेक करने का शॉर्टकट भी होता है, उसको कहते हैं हम लोग, उस वो जो है वो है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल के साथ बी का जब आप यूज़ करेंगे फ्लैश में, तो आपका पूरा जो सेंटेंस होगा वो आपका ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक अपार्ट में क्या मतलब है, इससे स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, हर एक कैरेक्टर जो होगा आपका वो डिफरेंट बॉक्स में अपीयर होगा। हर एक कैरेक्टर के लिए, हर एक अल्फ़ाबेट के लिए आपका एक सेपरेट बॉक्स होगा। इसके बाद क्या करना है, आपका अगेन आपको मॉडिफाई पे करना है। एक बार फिर से आपको मॉडिफाई पर क्लिक करना है, और जैसे ही आपका मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, फिर आपको ब्रेक अपार्ट करना है। अब एक बार फिर से उसको ब्रेक अपार्ट पे क्लिक कर देंगे। इस बार जब आप ऐसे करेंगे, ब्रेक अपार्ट पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो टेक्स्ट है वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। शेप में कन्वर्ट होने से क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अब आपका यहाँ पे कुछ चीज़ें, आपका जो बॉक्स था वो बॉक्स यहाँ से गायब हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप्स का, अब किसी की इसके बाहर हमको क्लिक करना है एंड फिर उसको डीसिलेक्ट कर लेना है। कहीं पे भी जहाँ पे भी टेक्स्ट ना हो, आप वहाँ पर क्लिक कीजिए, आपका जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली डीसिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या है, सिलेक्शन टूल पर क्लिक करना है। सिलेक्शन टूल पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, उसका यूज़ करके आप ड्रैग कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं अपने कैरेक्टर्स को। फिर आपको क्या करना है, पेंट टूल को क्लिक करना है, पेंट बकेट टूल। इससे आप अपना डिफरेंट डिफरेंट शेप्स या फिर मींस ग्रेडियंट या फिर आप कुछ भी फिल कर सकते हैं आपके कैरेक्टर्स में विथ डिफरेंट कलर्स, ग्रेडियंट्स, ये सब। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट सिंगल कैरेक्टर विथ
सिलेक्शन टूल, एक सिंगल कैरेक्टर आपको चूज़ करना है विद सिलेक्शन टूल एंड यूज़ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल टू रिसाइज और रोटेट द ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यूज़ करना है रिसाइज और रोटेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं एंड बाकी का हम आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज आप इसको कीजिए एंड इसके नोट्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी कॉपी में लिख लीजिए, इसको हम बाद में चेक करेंगे। थैंक यू।